नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। आज हम कारुकान ओपनिंग, काले मोरे लेने वाले खिलाड़ियों ने कैसे खेलना चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कारुकान बड़ा सिंपल है। वो E4 और C6 काला के लड्डू खेल के गेम चालू होते हैं। और इसका डेफिनेट एडवांटेज एक यह है कि बिशप यहाँ से आके जो चेक देता है वो पॉसिबिलिटी इसमें कम होती है, और सेंटर पे अच्छी तरह से कंट्रोल भी रहता है। लेकिन ये अगर ठीक से कारोगा नहीं खेला है अगर काले के लड्डू में, तो उसकी बहुत धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ये मैं पहले एक सिंपल वेरिएशन ले रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सीरियस सफेद खेला होगी इतना अच्छी तरह से नहीं खेला है, और बाद में मैं कई वीडियो इसके ऊपर करूँगा जो टफ गेम्स है। एक गेम मैंने अंग्रेजी में किया है जो विश्वनाथन आनंद और जुडित पोलकर ने खेला है, जहाँ विश्वनाथन आनंद ब्लैक साइड से खेलता है, जुडित पोलकर वाइट से। और जुडित पोलकर ने ऐसा जबरदस्त अटैक किया है कि फिर भी उसको फेस किया है आनंद ने, और जब आनंद ने अटैक चालू किया तो वो मेट ही कर दिया उसने। तो बहुत अटैक कैसल पे होता है कारुकान में। अभी जो पहला ये वेरिएशन देख रहे हैं बड़ा सिंपल है और ज़्यादा ट्रबलसम नहीं है काले खिलाड़ियों के लिए। E4 C6 खेलते हैं, कॉमन मूव D4 है। इसकी बहुत सारे वेरिएशन है, B10 से लेके B19 है, B18 वेरिएशन। यहाँ पे क्लासिक वेरिएशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि कई लोग यहाँ बिशप खेलते हैं, कई लोग कुछ भी खेलते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस है। टोटल ऐसे देखा जाए तो 46 अलग अलग वेरिएशन कारुकान में तैयार हो जाती है। तो जो क्लासिकल वेरिएशन है वो बहुत टफ है। ये D4 खेलता है सफ़ेद, काला के लड्डू D5 कॉमन है। और मैं तो अपने प्लेयर्स को, स्टूडेंट को सलाह देता हूँ कि कुछ भी हो जाए ये D5 जो है वो खेलना ही है, वो कुछ भी खेले हमने D5 खेलना है। और इसे क्या होगा, अगर ये मार भी देता है तो फिर अपना जो C6 का जो पॉन है वो उसको मार के D5 पे आता है, अपना सेंट्रल पे दो पॉन बराबर है, उसका सेंटर डिस्टर्ब हो गया, उसका सिर्फ D5 के ऊपर उसका पॉन रह जाता है। और फिर ये बिशप बहुत कॉमन मूव है, Bc3 सफेद। फिर ये इसको क्रॉस कर देता है D×E4। फिर ये बिशप नाइट से नाइट क्रॉस E4 क्रॉस कर देता है वो, ये भी कॉमन है। फिर काला के लड्डू बिशप F5 पे आके उसको थ्रेट देता है। अभी ये नाइट कहाँ पे ले जाता है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड हो जाता है। 90% केसेस में ये नाइट G3 के ऊपर जाता है, Ng3। तो Ng3 का हम लोग बाद में सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम हो जाता है। और दूसरा जो वेरिएशन है वो नाइट यहाँ पे लेता है C5 के ऊपर, और ये B7 को अटैक करता है। तो ये वेरिएशन हम लोग देखने जा रहे हैं अभी, नाइट C5 पे इसने लिया, तो इसने फिर ये नाइट D7 पे लेके इसको थ्रेट दिया। नाइट को ज़्यादा आने देना नहीं चाहिए एक्चुअली, मतलब इसका सेकंड पार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो थोड़ा आप इंटरेस्ट से देखिए, क्योंकि अगर नाइट G3 पे वो लेता है तो काले खिलाड़ी के लिए बहुत भारी पड़ता है, और उसमें इतना ध्यान से खेलना पड़ता है कि कैसल तो उसका पूरा टूट ही जाता है। इनफैक्ट विश्वनाथ आनंद जैसे का कैसल पूरा ब्रेक हुआ है, आप गेम देखोगे तो वेरिएशन वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो नाइट C5 देखते हैं। इसने नाइट D7 लिया, अभी ये थोड़ी
ऐसे लगते हैं कि ऑड मूव है, उसने क्वीन कर्स पूरा ये ब्लॉक किया, क्वीन को सिर पे डायगोनल रखा, लेकिन नाइट को यहाँ जाने को जगह भी तो नहीं है C6 के ऊपर। और आगे चल के ये जो नाइट है D7 के ऊपर का, ये इस जो G8 का नाइट जब F6 पे आएगा तो इसको सपोर्ट करता है। अभी इसने फिलहाल इसने थ्रेट दिया कि इसको भगाने का इस नाइट को, जब उसके नाइट ज़्यादा अंदर आते हैं तो एटलीस्ट एक नाइट को तो मार ही देना चाहिए कैसे भी करके। तो इसने नाइट यहाँ पे लिया तो ये आसानी से ये अनडिफेंडेड रह गया B7, तो B7 को मार देता है। B7 को मारने के बाद वो नाइट ट्रैप हो जाता है, क्वीन ये यहाँ पे लेता है C7 के ऊपर, बिशप A6 पे लेके वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि अपना नाइट जो है यहाँ आता है B8। मैं काले खिलाड़ी से विशेष इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक खेल में, क्योंकि मैं तो कुछ सफेद खेलते टाइम हमेशा E4 ही खेलता हूँ, दूसरा कुछ खेलता ही नहीं। आगे वाला क्या खेलेगा इसके ऊपर, और ब्लैक खेलते टाइम अलग अलग डिफेंसेस खेलता हूँ। क्वीन यहाँ पे लेके आया C7 के ऊपर, इसने बिशप से इसको प्रोटेक्ट किया, नाइट इसने C5 के ऊपर लिया, क्योंकि नाइट ये इसको बिशप को मार देगा नाइट, ब्लैक नाइट करके इसने ये नाइट फिर से वापस ले लिया यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये मार देता है नाइट क्रॉस A6, फिर ये नाइट क्रॉस A6 करता है। और ऐसा इसका नाइट अभी कैसे चला जाता है, देखिए यहाँ से चेक किंग को, और ये जब चेक निकालने को जाता है तो ये नाइट मारा जाता है, ये चेक निकालने के लिए बिशप उसने बीच में डाला, ये नाइट चला गया। तो नाइट कैप्चर यहाँ पे होता है, आसान है ब्लैक के लिए लगता है ना। दूसरा इसका ही वेरिएशन देखते हैं। एक्चुअली मैं पहली जो मूव है वो फिर से कर रहा हूँ थोड़े फास्ट, उसके आगे हमें देखना है कि अलग थोड़ा सा वेरिएशन। इसने क्वीन को यहाँ बीच में वो खेल में भी लाया था, बिशप A6 पे लाया, नाइट B8, अभी ये बिशप को इसने क्वीन से सपोर्ट किया, हाँ पहले सपोर्ट नहीं किया था, क्वीन से इसने सपोर्ट किया, तो क्या हो जाता है फिर भी वो नाइट को मार देता है। क्वीन से नाइट को सपे ने अगर मारा तो ये बिशप अभी C8 पे लाता है, और अभी क्वीन ही लाने पड़ेगी और ये नाइट कैसे भी कैप्चर हो जाता है ना। तो क्वीन से भी इसने सपोर्ट किया तो भी नाइट कैप्चर हो जाता है। तो सफेद ने अपना नाइट इतना अंदर आना नहीं चाहिए पॉन के, इसको फिर पॉइजन पॉन बोलते हैं B7 को, पॉन के क्या बोलते हैं आमिष में, इतने अंदर दुश्मन की टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। अभी ये उसका ये एक वेरिएशन है नाइट टू C5 का, पहली मूव फिर से मैंने गेम लिया, क्योंकि बार बार देखने से थोड़ा ये हो जाए कि कैसे कैसे मूव हो रहे, ये कॉमन। नाइट C5 पे लिया, क्वीन अभी इसने C7 पे लेके इसको प्रोटेक्ट किया, हाँ पहले क्वीन यहाँ पे ली थी उसने, नाइट यहाँ पे लिया था, अभी क्वीन से डायरेक्ट B7 को काले खिलाड़ी ने प्रोटेक्ट किया, इसने ये नाइट लाया F3 के ऊपर, इसने नाइट टू D7 इसको थ्रेट देने के लिए, मैंने जैसे बोला कि कोशिश करनी चाहिए कि इसको भगाना चाहिए यहाँ से। और क्वीन यहाँ पे इसने क्यों लाई कि ये नाइट को अगर मारते हैं तो डायरेक्टली ये ऊपर की जो सफेद वाली क्वीन है D1 के ऊपर वो शायद क्वीन एक्सचेंज कर दे, इसलिए बीच में ये नाइट पहले से डाल के रखा। ये नाइट लेके गया B3 के ऊपर, इसने नाइट F6 खेला, बिशप D3 खेला, बिशप एक्सचेंज किया है, भी काफ़ी कॉमन मूव है कि बिशप
सफेद स्क्वायर का बिशप दोनों एक्सचेंज ही करते हैं। अगला वर्षन भी G3 देखेंगे उसमें भी ऐसा होता है, तो बिशप तो एक्सचेंज ही करते हैं। ये E6 पॉन ऊपर लिया इसने, इसने हमने बिशप को ये डायगोनल पे डेवलप किया, कैसल किया वाइट, बिशप इसने ऊपर लिया E7 के ऊपर कैसल करने के लिए, H3 खेला कैसल किया, इसने C3 खेला। अभी ये यहाँ इसका ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं है, तो सपोर्ट मतलब पॉन की चेन बन जाती है इसके लिए, वो ठीक है। लेकिन अगला गेम देखेंगे, सपोजिंग इसने कैसल नहीं किया है तो बिशप यहाँ के चेक न दे, इसके लिए ये C3 पॉन नॉर्मली खेला जाता है। इसने रूक D8 पे लिया, मतलब क्वीन के ऑलमोस्ट नीचे, फाइल सेमी ओपन है और ये चाहता है कि ओपन हो जाए, क्वीन को इसके 3 थ्रेड रहे और नाइट को भी पूरा प्रोटेक्शन रहे अगर क्वीन निकाली गई तो। क्वीन इसने C2 के ऊपर लेके गए, दूसरा रुक E8 पे लाया, उसने भी रुक E1 पे लाया, रुक के सामने रुक H6 खेला। ये तो कॉमन मूव है, बिशप D2 पॉन C5 खेला, पॉन डी क्रॉस C5, नाइट क्रॉस C5, नाइट क्रॉस C5, बिशप क्रॉस C5, रुक टू D1 इसने लिया, बिशप B6, नाइट D4 और इसने बिशप से ये क्रॉस कर दिया नाइट। अभी इसमें वो सफेद वाला फंस गया कि अभी पॉन से मार नहीं सकता कि पॉन पिन किया हुआ है C3 का, पॉन से अगर मारेगा तो क्वीन इसके चली जाती है। हाँ, तो इसने एक पॉन अप हो गया यहाँ पे। इसका अगला वेरिएशन देखते हैं, ये गेम छोड़ देते हैं थोड़ा सा। ये गेम है पीटर जॉन ए और लेन एंटोब्ली में खेला गया है, कारोकान क्लासिकल वेरिएशन। तो इसकी मूव्स देखते हैं, ये कॉमन मूव्स है। हाँ, नाइट यहाँ पे लिया, एक्चुअली खेला गया ये क्वीन इसने C8 पे लेके इसको सपोर्ट किया B7 को। अभी हमने देखा कभी हम लोग यहाँ पे क्वीन C7 पे लाके सपोर्ट करते हैं या क्वीन यहाँ पे तो नहीं लाते, लेकिन नाइट यहाँ पर लाके उसको छोड़ देते हैं, मारने देते हैं। ऐसे 2-3 ट्रिक्स है जो करनी चाहिए। तो इसने B7 को डायरेक्ट सपोर्ट किया क्वीन ने यहाँ पे, नाइट F3, E6। अभी E6 पॉन क्या है, इसको F7 को कारोकान में अभी आप आगे देखेंगे कि F7 इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट, मतलब बहुत एकदम वीक पॉइंट है F7, और F7 के ऊपर बहुत सारा अटैक हो जाता है। अगला वीडियो में जब हिंदी में बनाऊंगा इस वीडियो को रिस्पांस मिलने के बाद, तो उसमें आप देखोगे वेरिएशन में कि F7 के ऊपर मैक्सिमम अटैक होता है। यहाँ से वो बिशप से ये अटैक करेगा, बीच में है ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट F7 पे अटैक। हाँ, तो मैक्सिमम अब इसने देखो C5 का जो नाइट है इसने इसके ऊपर ही अटैक करके रखा है। हाँ, E6 के ऊपर, मतलब ये दिस इज सपोर्टेड बाय दिस F7। हाँ, तो ये दो पान है इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसमें मारा होता है। देखो ये नाइट इसने होल मिल गया नाइट को, नाइट E5 पे आ गए। हाँ, फिर ये नाइट ने F7 के ऊपर अटैक करके रखा है, ये नाइट ने E6 के ऊपर अटैक, ये दोनों पान के ऊपर अटैक करके रखा है उन्होंने। हाँ, तो ये अभी इसने इस एक नाइट को थ्रेट दिया,
नाइट वो ऊपर गए, दोनों नाइट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, नाइट टू एफ सिक्स, जी फोर, ई फोर, टेन एफ थ्री, ये बिशप तो क्रॉस ही करते ऐसा करके, ये नाइट यहाँ पे लिया। तो मतलब ये थोड़ा सा इतना ही मैं गेम ये दिखाना चाहता था कि शुरू की एक मूव्स कैसी होती है और क्या करना चाहिए। आगे देखना है तो मैं थोड़ा फास्ट चला के करता हूँ। गेम देखिए, अभी वाइट के तीनों पॉन ऐसे आ गए कि, और बहुत बार ऐसे होता है कि वाइट क्वीन साइड कैसल कर लेता है। देखो फिर भी इसमें देखो ब्लैक का जो कैसल है पूरा टूट गया है। तो बहुत बार कारोकार में ऐसे होता है कि कैसल पूरा टूट ही जाता है। और कितना अटैक हो गया ब्लैक के ऊपर, थोड़ा मुश्किल है। बैक ये टूर दो रुक इसके ऊपर आ गए। हाँ ऐसे दिखता है कि सारा अटैक ब्लैक पे ही है, लेकिन ये दो रुक एक के ऊपर एक लेता है। ये पान इसने प्रमोशन के लिए आगे लिया है। हाँ अभी ये क्वीन जो है, ये क्वीन यहाँ पे आए लेकिन ये बिशप से सपोर्टेड है, और एक्चुअली ये सफेद क्वीन बिशप को अटैक कर रहे है, लेकिन ये क्वीन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, ये चेक दे रहा है। तो इस तरह से ये अभी ये व्हाइट का बिशप इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये रुक दो रुक एक के ऊपर एक है, तो इसने ये एक्चुअली रुक से एक क्वीन यहाँ पे मार सकता था ये, हाँ लेकिन ऐसे इसने नहीं किया, इसने ये बिशप बीच में डाला। बिशप बीच में डालने से सफेद को लगा कि इसको मार देते हैं रुक से, तो रुक से मार दे दिया। तो रुक से मार देने से सफेद का बिशप का सपोर्ट यहाँ पे गया। अभी इसने क्वीन को मारा चेक, क्रॉस किया, अभी डी थ्री क्वीन से क्रॉस करके किंग को चेक दिया, किंग एफ टू। इसने ये इसका पॉन प्रमोट हो रहा था, ये पॉन प्रमोट होकर उसने क्वीन बनाया, इसने मार दिया, मतलब एक और रुक उसका चला गया। और अभी पोजीशन एकदम ब्लैक के फेवर में हो गए, मतलब सॉलिड अटैक की इधर ब्लैक के किंग पे हुआ था, किंग कॉर्नर में ही गया ऑलमोस्ट, लेकिन वो अटैक से निकल के उसने यहाँ पे गेम छोड़ दिया, क्योंकि गेम आगे बढ़ाने में कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि सीधा ब्लैक विनिंग ही है इसमें। तो ये कारोकान का एक वेरिएशन हमने देखा है, अगले टाइम हम G3 का वेरिएशन अगले वीडियो में देखेंगे, देखते रहेंगे, मतलब रहे इसमें अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे फिर हिंदी में बनाऊंगा, मराठी में बनाया हुआ है। और दूसरा है कि वो एक गेम मैंने बनाया वो अंग्रेजी में, वो जरूर आप देखिए कि जुडिथ पोलगर एंड विश्वनाथन आनंद का कारोकान डिफेंस आनंद ने खेला हुआ है, वो जरूर देखिए। धन्यवाद।